पे तो पूरा दिन बैठ सकते हैं हम लोग। दो ऑप्शन अभी, या तो मैं सीधा वापस हाईवे टच करके गोवा जाऊं, और दूसरा ऑप्शन है कि रत्नागिरी सिटी में जाऊं, थोड़ा फोर्ट वोर्ट देखूं, थोड़ा रत्नागिरी का जो कोस्टल लाइन है वो थोड़ा एक्सप्लोर करूं, और वहां से वापस हाईवे कनेक्ट करते हुए 66 कनेक्ट करते हुए गोवा जाऊं। तो मैं सोच रहा हूं सिटी के अंदर जाऊं और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूं, क्या बोलते हो भाई? ये भाई को यहां से हटाना पड़ेगा बेचारे को। वो वापस पूरे मोहल्ले को बता, वो देखो बहुत बड़ा फ्लैग लगाया हुआ है। ये पूरा मार्केट वाला एरिया लग रहा है। मुझे लगता है वहाँ पे फोर्ट का एंट्रेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या व्यू है यार, यहाँ पे जाके देखते हैं पहले यार, वहाँ से भी क्या व्यू आता होगा भाई। प्रेमी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इस तरफ जाते हैं। तो पूरा दिन बैठ सकते हैं हम लोग। No.
समय आ गया है, 12 बज गए और अभी तो ये भी नहीं पता कि कितने बजे पहुंचेंगे गोवा। मुझे लगता है 6-7 बजे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे बाइकर लोगों का ब्यूटीफुल जगह है, इतना सुंदर जगह है, तो यहाँ पे उस हिसाब से टूरिज्म और उस हिसाब से होटल्स नहीं है। मतलब मैंने सर्च किया था, बहुत कम ऑप्शंस है होटल्स वगैरह का। और इवन मतलब मेन सिटी से आप बस आधा किलोमीटर बाहर निकलेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपको दिख जाएंगे या फिर बहुत सारा आपको। यार यहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये जगह कोई बाली से कम नहीं है। मतलब मैं बाली गया था, वहाँ पे उबुड क्रिया में मैं गया था और ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है। नेचुरल ब्यूटी अमेजिंग है। अबे ना एक चीज नोटिस किया है, ये पूरा पथरीला लैंड है। मतलब ये फार्मिंग वाला लैंड नहीं है, पथरीला लैंड है। और किसी ने कोई घर वर नहीं बांधा है, ऐसे ही छोड़ दिया है। तो पता नहीं क्या रीजन है। यार क्या व्यू है, एक के बाद एक ऐसे स्पॉट्स दिख रहे हैं मेरे को कि मेरे को गाड़ी रुक रुक के जाना पड़ रहा है। ये देखो पीछे देखो बॉस, मतलब क्या देखो क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे बोट्स डॉक होती हैं और घर, किसी का घर भी है भाई। बाद में मैं वापस नहीं रुकूंगा, ऑलरेडी ऐसा बोल बोल के 3-4 बार रुक चुका हूँ। अब मैं सीधा जाऊंगा यार, लंच भी करना है, 1:15 हो रहा है। एक्साइटमेंट में भागा दौड़ी में मैंने ब्रेकफास्ट भी कुछ किया नहीं खास। नागिरी से राजापुर का पूरा रास्ता ऐसा है, ऐसा लग रहा है मेरे को विलेज के पानी में लोग एंजॉय कर रहे हैं। यार कहाँ कहाँ फोटो निकालो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारे जगह पे सुंदर नजारे हैं। वैसे दोस्तों आप लोग लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ट्रैवल ब्लॉग्स पोस्ट करूँगा और थोड़ा ट्रैवल करूँगा आप लोग के साथ शेयर करूँगा। इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है कि नहीं। तो ये देखो भाई आ गया हाईवे, हो फाइनली गाइस हाईवे आखिर हमें मिल ही गया। हो भाई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवा निकल गई। हो
जस्ट यहाँ पे गाड़ी रुका के यहाँ से कुछ खरीदा और बहुत ही अमेजिंग ड्राइव था यहाँ तक। और अब आगे देखते हैं कुछ खाने को मिलता है आगे। देखिए ये सब मैंने खरीदा यहाँ पे और ये देखिए क्या लेके आया हूँ। ये पहले 4 आने का मिलता था, अब ये 8 आने का हो गया, डबल हो गया, डबल रेट, इन्फ्लेशन 100% हो गया। दोस्तों अभी तक आप लोग ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो घोर पाप कर रहे हो। बीच में मैंने स्टॉप लिया यहाँ पे थोड़ा कुछ खा। और आज मैं जा रहा हूँ साउथ गोवा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं साउथ गोवा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का जगह है साउथ गोवा कंपैरिजन में। और भी जो वुडन कलर जो दिया है लोगों ने बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला गोल्ड भी कहीं उतर के कभी कभी काम भी आता है। ये 10 बज रहे हैं, मैं वेज रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते मारगांव की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को ना, मैं यहाँ 2-3 जगह पे मैंने मेनू कार्ड देखा, कुछ समझ में नहीं आया यार मुझे। और फूड का प्रॉब्लम तो है ही, इनफैक्ट मेरे को कभी कभी लगता है कि यूरोप में मेरे को वेजिटेरियन के ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं गोवा के कंपैरिजन में। ये टूरिस्ट प्लेसेस में ना ऐसे अजीब अजीब चीज़ें होती है, रूफ टॉप लिखा हुआ है। अरे भाई पता है रूफ टॉप है, लिखने की क्या ज़रूरत है।